संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल सन 1506 में एक राजकीय परिवार में हुआ था। उनके 5 भाई बहन थे। उनके भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। जब फ्रांसिस जेवियर 9 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। सन 1525 में फ्रांसिस ने अपना घर बार छोड़ दिया ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए पेरिस जा सके। फ्रांसिस जेवियर ने 15 अगस्त सन 1534 में व्रत धारण, 24 जून सन 1537 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। उन्होंने अपनी प्रथम पवित्र बलिदान 40 दिन के उपवास एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तैयारी के बाद अर्पित की। सन 1525 में वे पेरिस के महाविद्यालय में गए। संत बार्बे महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया, जो कि पेरिस में स्थित है। मार्च में सन 1530 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। 1530 से 1534 तक उन्होंने दर्शन शास्त्र के एक महाविद्यालय में शिक्षण का कार्य किया। 1534 से 1536 तक उन्होंने इस शास्त्र का अध्ययन किया। महाविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान उन्हें 2 साथी मिले जिनसे वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। वे थे पीटर पावरे और संत इग्नेशियस ऑफ लॉयला। इग्नेशियस पहले एक सैनिक थे, परंतु अब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया था। संत फ्रांसिस जेवियर की इच्छा थी कि वे एक संस्था की स्थापना करें ताकि वे आत्माओं की मुक्ति में सहायक बने। संत फ्रांसिस जेवियर अपना जीवन सुख सुविधा में व्यतीत कर रहे थे, अपने आप को एक उच्च कुल के समझते थे। संत इग्नेशियस ने उनके अंदर की इच्छा शक्ति को ढूंढने में मदद की, जो कि उनकी सांसारिक चीजों के नीचे दबी हुई थी। संत फ्रांसिस एंड इग्नेशियस एक ही रूम में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। संत इग्नेशियस बार बार इन्हीं शब्दों को दोहराते थे। संत मती के सुसमाचार अध्याय 16 पर संख्या 25 का वचन, यदि मैं संपूर्ण संसार प्राप्त कर लूं पर मैं अपनी आत्मा खो दूं तो इससे क्या लाभ। यह वचन संत फ्रांसिस जेवियर के कानों में गूंजता रहा। संत फ्रांसिस जेवियर की बहुत ही बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी, परंतु प्रभु यीशु को पाकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसी समय उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुसमाचार के प्रचार में बिताना चाहा। संत फ्रांसिस जेवियर ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में गुजारा। उन्होंने बीमारों, घायलों एवं कोढ़ियों की मदद की। संत फ्रांसिस जेवियर एवं संत इग्नेशियस को संत पिता से न्योता मिला कि वे अपने 6 पुरोहितों को पोर्चुगीज कॉलोनी दक्षिण में भेजें, परंतु इग्नेशियस ने कहा कि वे केवल 2 जनों को ही भेज सकते हैं। उनमें से एक बहुत अधिक बीमार हो गया। तब संत फ्रांसिस जेवियर से पूछा गया कि वे क्या वे जाना चाहते हैं भारत प्रभु भक्तों की सेवा के लिए। उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार किया। पहले से अधिकतर लोग ख्रिस्त पाए गए। संत फ्रांसिस जेवियर गांव गली गली घूमते। उनके हाथ में एक घंटी हुआ करती थी। उससे वे लोगों एवं बच्चों को बुलाते एवं प्रभु की आज्ञाओं को बताते थे, प्रभु के सुसमाचार को सुनाते थे और वे लोगों की सेवा करते थे। फ्रांसिस जेवियर ने रूढ़िवादिता, जातिवाद, जादू टोना का विरोध किया। लोग बीमारों एवं दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए लोगों को उनके पास लाते थे और वे उन्हें स्वस्थ कर देते थे। जब वे नाव में यात्रा करते समय एक भयंकर तूफान में फंस गए, तो पवित्र पुरुष उनका कहीं पर समुद्र में गिर गया। वे बहुत ही हताश हो गए, निराश हो गए। जब वे एक निकटवर्ती तट पर पहुंचे और वे वहां पर खड़े हुए थे और अपने क्रूस को याद कर रहे थे, तब एक केकड़ा आकर उनके क्रूस को लाकर समुद्र तट पर छोड़ देता है। वे चाइना जाना चाहते थे। उन्होंने प्रभु के वचनों का चाइना में प्रचार करने का निर्णय किया, परंतु वे चाइना के तट तक ही पहुंच पाए। वहां पर वह बहुत अधिक बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें तट पर ही दफना दिया। जब उनके कब्र की खुदवाई कराई गई, तब उनका शरीर ताजा था। उनके पार्थिव शरीर को जोयागा से गोवा लाया गया। जब उनके पवित्र शरीर को जहाज से
ले जाया जा रहा था, तब एक कैप्टन ने अपने दास से कहा कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि इनका शरीर अभी भी ताजा है। तब वहां के दास ने उनके घुटने के नीचे का मांस काटा, तब उनके शरीर से लहू बह निकला। उनके शरीर को मलक्का में दफनाया गया था और वे भी बिना ताबूत के। इस कारणवश उनकी नाक एवं गर्दन एवं उल्टे तरफ का गाल एवं सीने पर चोट के निशान पाए गए हैं। जब उनकी कब्र को फिर खोदा गया, तब भी उनका शरीर ताजा था और उनके शरीर से खुशबू आ रही थी, और वह खुशबू चारों ओर फैल गई। 118 दिनों तक डायोगास घर में ही छिपाकर रखा गया। हर साल उनके पार्थिव शरीर को लोगों के बीच लाया जाता था, परंतु 5 जनवरी 2015 में 9:45 पर लोगों के बीच अंतिम बार उनका शरीर लाया गया, ताकि संत के पवित्र शरीर को बसिलिका में रखा जाए। 15 अगस्त सन 1534 को पेरिस के मोंट मार्टे क्षेत्र में संत जेवियर एवं लोयला अन्य 5 लोगों ने यीशु समाज के प्रति स्वयं को समर्पित किया। 27 सितंबर सन 1640 में यीशु समाज की स्थापना हुई। 6 मई 1542 को संत फ्रांसिस जेवियर भारत के गोवा में आए। उन्होंने बीमारों एवं बच्चों की सेवा की। सन 1552 में वे चीन के मकाओ क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्हें बुखार आया और उनकी मृत्यु हो गई। संत पिता पॉल 5 ने उन्हें सन 1619 में धन्य घोषित किया। संत पिता ग्रेगरी 15 ने सन 1622 में उन्हें संत घोषित किया। सभी मिशनरियों के वे संरक्षक संत माने जाते हैं। हम सभी ने देखा है कि पुराने जमाने में शव को संरक्षित करने के लिए सभी द्रव्य पदार्थों का एवं अन्य चीजों में उसे लपेट कर रखा जाता था, और वह शव कुछ समय तक संरक्षित किया जाता था। परंतु बिना किसी संरक्षक द्रव्य एवं पदार्थों के उपयोग के बिना किसी शरीर को इस तरह रखना विज्ञान की दृष्टि में भी असंभव है। ऐसी ही घटना हमें आज देखने को मिलती है। ओल्ड गोवा के बसिलिका बॉम जीसस चर्च में रखे फ्रांसिस जेवियर के मृत शरीर को आप सभी यह सुनकर दंग रह जाएंगे कि यह शव 400 से भी अधिक वर्षों से आज तक बिना किसी लेप के या द्रव्य पदार्थों के एकदम तरोताजा है। आप इसे नहीं मानेंगे, परंतु यह बिल्कुल सच है। ओल्ड गोवा में संत फ्रांसिस जेवियर का यह मृत शरीर आज भी यह अपनी सामान्य दशा में रखा हुआ है। संत जेवियर का शरीर कई बार काटा जा चुका है। सन 1553 में एक कैप्टन का सेवक उनके मृत शरीर को संत जॉन से मलक्का ले जाया जा रहा था। उसी समय जहाज के एक कप्तान को प्रमाण दिखाने के लिए उन्होंने उसके घुटने का मांस काट दिया। सन 1554 में एक पुर्तगाल की महिला यात्री ने उनकी एड़ी का मांस काटकर यादगार के रूप में पवित्र अवशेष मानकर अपने साथ वह पुर्तगाल ले गई। सन 1555 में उनके बाजू का एक भाग रोम भेजा गया, जिसे चर्च ऑफ केसू में संभाल कर रखा गया है। उनके बाएं हाथ का कुछ भाग सन 1619 में जापान के गिरजाघर में रखा गया है, और उनके पेट का कुछ भाग निकालकर यादगार के रूप में अलग-अलग स्थानों में भेजा गया है। आइए हम सभी प्रभु यीशु के सामने अपना हृदय संत फ्रांसिस जेवियर के समान खोले, अपनी सभी इच्छाओं या अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु के कार्यों में लग जाएं।